हैलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन दिस डिस्कसरसाइज बिहाइंडर एट ऑफ क्लास सिक्स एनसीआर बॉडी मूवमेंट लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने चैप्टर एट को फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है तो पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है क्योंकि आप वीडियो देखेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ आएगा और ये आपके लिए काफी आसानी पैदा

देन नेक्स्ट इज बोन्स एट द एल्बो जो बोन्स होती है हमारी अपर आर्म की और लोअर आर्म की एट द एल्बो वो किस ज्वाइंट से जुड़ी हुई होती है दैट द नेम ऑफ दैट जॉइंट इज द हिंड ज्वाइंट ड्यू टेजेंस ऑफ हिंड ज्वाइंट वी कैन ओनली बेंड अवर लोअर आर्म इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बट नॉट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन बिकॉज हिंड ज्वाइंट इट अलाउज द मोवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन देन द नेक्स्ट इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डैश पुल्स द बोन्स ड्यूरिंग द मूवमेंट जब हमारी बॉडी मूव करती है तो बोन्स किसकी कॉन्ट्रेक्शन से पुल होते हैं इट इज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द मसल्स दैट पुल्स द बोन्स नाउ क्वेश्चन नंबर टू इंडिकेट ट्रू एंड फॉल्स अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं आपको उनको पढ़ना है और बताना है कि उनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मूवमेंट एंड द लोको मोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज एग्जैक्टली सेम क्या हिलने का तरीका या चलने का तरीका जो होता है सभी एनिमल्स का सेम होता है सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट क्योंकि कुछ एनिमल्स जो होते हैं दे मूव बाय वॉकिंग कुछ फ्लाई कर कुछ स्विम करते हैं सो द मूवमेंट एंड लोकोमोशन ऑफ ऑल एनिमल्स इज नॉट सेम द नेक्स्ट इज द कार्टिलेजेस आर हार्डर देन द बोन्स क्या कार्टिलेजेस हार्ड होते हैं बोन से नो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट रैदर बोन्स आर हार्ड देन द कार्टिलेजेस कार्टिलेजेस दीज आर द फ्लेक्सीबल पार्ट ऑफ द स्केलेटन देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट जो हमारी फिंगर में जो बोन्स होती हैं जिनको हम चैलेंजेस कहते हैं क्या उनके बीच में कोई भी जॉइंट नहीं होता दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट उनके बीच में जॉइंट होता है और वो जो जॉइंट होता है उसका नाम होता है हिंज जॉइंट एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हिंज जॉइंट वी आर एबल टू बेंड आवर फिंगर्स ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द फोर आर्म हैज टू बोन्स जो हमारी फोर आर्म लोअर आर्म होती है क्या उसमें दो बोन्स प्रेजेंट होती है येस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और उन दो बोन्स का नाम होता है रेडियस एंड अल्ला देन नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कॉक्रोच हैव एन आउटर स्केलेटिन जो कॉकरच की बॉडी होती है क्या उसके ऊपर एक आउटर स्केलेटिन प्रेजेंट होता है येस yes, उसको हम एग्जो स्केलेटिन कहते हैं सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें क्या करना है मैच करने हैं आइटम्स कुछ आइटम्स दिए गए हैं कॉलम वन में उन आइटम्स को मैच करना है कॉलम टू के आइटम से सो द फर्स्ट वन इज अपर जॉ अपर जॉ क्या होता है इट इज इमुवेबल ज्वाइंट जो स्कल uh, होता है स्कल और अपर जॉ के बीच में जो जॉइंट होता है वो इमूवेबल जॉइंट होता है वो मूव नहीं कर सकते देन फिश फिश इट हैज ऑन द बॉडी और दूसरा क्या होता है दे हैव बॉडी बॉडी मतलब जो उसका फ्रंट और रेयर पार्ट जो होता है वो टेपर करते हैं और मिडल पोर्शन क्या होता है थिक होता है देन रिब्स रिब्स क्या होती है कर्व बोन्स होती है जो कि चेस्ट एरिया में प्रेजेंट होती है और वो क्या बनाती है रिब केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती है तो रिब केज का क्या काम होता है इट प्रोटेक्टेट ऑर्गन प्रेजेंट इन चेस्ट सो इट इट दें हैज ए आउटर स्केलेटन जिसको हम शेल कहते हैं एंड देन स्नेल ऑल्सो शोज वेरी स्लो मूवमेंट बहुत धीरे धीरे चलता है आउटर स्केलेटन एंड इट कैन ऑल्सो फ्लाई इन द एयर So we can write the answer of question number 3 as upper jaw it is the immovable joint then fish have the fins on the body and they have the streamlined body then ribs they protect the heart and snail it shows very slow movement and it also has the outer skeleton which is called shell kaha jata hai. then cockroaches they also have the outer skeleton and they can fly in the air as they have wings in their body. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर आंसर द फॉलोइंग इस क्वेश्चन के कुछ सब पार्ट है उनके हमें लिखने हैं सो दर्स्ट सब पार्ट इज वॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने देखा था बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में जो एक एंड होता है बोन का वो राउंड शेप होता है और जो दूसरी बोन का एंड होता है वो एक कैविटी के फॉर्म में होता है सो इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट राउंड एंड ऑफ वन बोन इट फिट्स इन टू द होलो स्पेस द

नेक्स्ट पार्ट इज विच ऑफ द स्कल बोन्स आर मूवेबल स्कल की कौन सी बोन होती है जो की मूव कर सकती है तो ये स्कल है तो स्कल में हमने देखा है कि जितनी भी बोन्स होती है दे आर ज्वाइन टू ईच अदर बाई द फिक्स ज्वाइन वो मूव नहीं कर सकती केवल एक लोअर जॉ बोन ही ऐसी बोन होती है जो की स्कल से जुड़ी हुई होती है वाई देल्प ऑफ हिज जॉइंट एज अ रिजल्ट ऑफ विच लोअर जॉ कैन मूव इन द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड डायरेक्शन सो इट्स आंसर विल बी द लोअर जॉ बोन ऑफ द स्कल इज द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल वो ही केवल एक मूवेबल बोन है स्कल की नाउ द लास्ट पार्ट इज वाई कैन आवर एल्बो नॉट मूव बैकवर्ड हमारी एल्बो पीछे की तरफ क्यों नहीं मूव कर पाती क्यों इसलिए नहीं मूव कर पाती की जो ज्वाइंट है हमारी अपर आर्म बोन के बीच में और लोअर आर्म बोन के बीच में इट इज द हिंज ज्वाइंट और इस हिंज ज्वाइंट की वजह से क्या होता है जो हमारी लोअर आर्म है वो केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव हो पाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव नहीं हो पाती सो आवर एल्बो जो joint is the hinge joint and this joint allows the movement only in one plane that is the back and forth movement. Hence we cannot move our elbows backward. इसी की वजह से हम अपनी elbows को पीछे की तरफ move नहीं कर सकते. सो विद दिस वी कंप्लीट द एक्सरसाइज आई होप आपको समझ आया होगा इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फॉर वॉचिंग